थिंक लाइक अ मॉन्क बाय सिंपल ऑडियो बुक। प्रस्तावना। जब मैं 18 वर्ष का था, कॉलेज के अपने पहले वर्ष में, लंदन के कैश बिजनेस स्कूल में, मेरे एक मित्र ने मुझे एक भिक्षु को भाषण देते हुए सुनने के लिए उसके साथ जाने के लिए कहा। मैंने विरोध किया। मैं किसी साधु को सुनने क्यों जाना चाहूँगा? मैं अक्सर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मशहूर हस्तियों और अन्य सफल लोगों को परिसर में व्याख्यान देखने जाता था, लेकिन मुझे एक साधु में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उन वक्ताओं को सुनना पसंद किया जिन्होंने वास्तव में चीज़ें हासिल की थी। मेरा दोस्त कायम रहा और अंत में मैंने कहा, ठीक है, प्यार में पढ़ना एक अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग लगभग विशेष रूप से रोमांटिक रिश्तों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। लेकिन उस रात जब मैंने साधु को अपने अनुभव के बारे में बात करते सुना तो मुझे प्यार हो गया। मंच पर मौजूद मूर्ति एक 30 वर्षीय भारतीय व्यक्ति की थी। उसका सिर मुंडा हुआ था और उसने सारोन का बागा पहना था। वह बुद्धिमान और करिश्माई था। उन्होंने निस्वार्थ बलिदान के सिद्धांत के बारे में बात की। जब उन्होंने कहा कि हमें ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिनकी छाया में हमने बैठने की योजना नहीं बनाई है, तो मुझे अपने शरीर में एक अपरिचित रोमांच का अनुभव हुआ। मैं विशेष रूप से प्रभावित हुआ जब मुझे यह पता चला कि वह IIT बॉम्बे का एक छात्र रहा है जो भारत का MIT है और MIT की ही तरह इसमें प्रवेश करना लगभग असंभव है। उन्होंने उस अवसर को एक भिक्षु बनने के लिए व्यापार किया जो कि मेरे दोस्तों और मैं उसका पीछा कर रहे थे। या तो वह पागल था या वह किसी चीज पर था। मेरा पूरा जीवन मैं उन लोगों पर मोहित रहा हूँ जो कुछ भी नहीं से कुछ कठोर से धन की कहानियों में चले गए थे। अब पहली बार मैं किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में था जिसने जानबूझकर इसका विपरीत किया था। उसने वह जीवन छोड़ दिया जो दुनिया ने मुझसे कहा था कि हम सभी को चाहिए। लेकिन एक कड़वी असफलता होने के बजाय वह हर्षित, आश्वस्त और शांति से दिखाई दिया। वास्तव में वह किसी से भी ज़्यादा खुश लग रहा था जिससे मैं अभी तक मिला था। 18 साल की उम्र में मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात की थी जो अमीर थे। मैंने बहुत से लोगों की बातें सुनी जो प्रसिद्ध, मजबूत, अच्छे दिखने वाले या तीनों थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जो वास्तव में खुश था। बाद में मैंने उसे यह बताने के लिए भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता आगे बढ़ाया कि वह कितना अद्भुत था और उसने मुझे कितना प्रेरित किया। मैं आपके साथ अधिक समय कैसे बिता सकता हूँ, मैंने खुद से पूछते हुए सुना। मुझे उन लोगों के आसपास रहने की ललक महसूस हुई जिनके पास वे मूल्य थे जो मैं चाहता था, ना कि वे चीज़ें जो मैं चाहता था। भिक्षु ने मुझे बताया कि वह पूरे सप्ताह यूनाइटेड किंगडम में यात्रा कर रहा है और उसके बाकी कार्यक्रमों में
आने के लिए मेरा स्वागत है, और फिर मैं उसके साथ गया। गौरांग दास नाम के साधु के बारे में मेरी पहली धारणा यह थी कि वह कुछ सही कर रहे थे। 2002 में योंगे मिंग्यूर रिनपोचे नाम के एक तिब्बती भिक्षु ने काठमांडू नेपाल के बाहर एक क्षेत्र से यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन की यात्रा की ताकि शोधकर्ता ध्यान करते समय उनकी मस्तिष्क की गतिविधि को देख सकें। वैज्ञानिकों ने भिक्षु के सर को शावर कैप जैसी डिवाइस से ढक दिया, एक ईईजी मशीन जिसमें 250 से अधिक छोटे तार चिपके हुए थे, जिनमें से प्रत्येक में एक सेंसर था जो एक लैब तकनीक से जुड़ा था। अध्ययन के समय भिक्षु ने जीवन भर के ध्यान अभ्यास के 62,000 घंटे जमा किए थे। वैज्ञानिकों की एक टीम के रूप में उनमें से कुछ अनुभवी ध्यानी थे। उन्होंने एक नियंत्रण कक्ष से देखा। भिक्षु ने ध्यान प्रोटोकॉल शुरू किया जिसे शोधकर्ताओं ने डिजाइन किया था। करुणा पर ध्यान के 1 मिनट और आराम की 32 अवधि के बीच वह एक अनुवादक द्वारा बताए गए क्रम में 4 बार इस पैटर्न के माध्यम से साइकिल की तरह चला रहे थे। शोधकर्ताओं ने विस्मय से देखा लगभग ठीक उसी क्षण जब भिक्षु ने अपना ध्यान शुरू किया। ईईजी मशीन ने गतिविधि में अचानक और बड़े पैमाने पर स्पाइक दर्ज किया। वैज्ञानिकों ने यह मान लिया था कि इतने बड़े तेज टक्कर के साथ भिक्षु ने अपनी स्थिति बदल ली होगी या अन्यथा स्थानांतरित हो गए होंगे। फिर भी देखने वाली आंख में वह पूरी तरह से स्थिर रहे, जो उल्लेखनीय था। वह केवल भिक्षु की मस्तिष्क गतिविधि की निरंतरता नहीं थी, बंद और चालू बार बार गतिविधि से आराम की अवधि तक, लेकिन यह भी तथ्य कि उसे वार्म अप अवधि की आवश्यकता नहीं थी। यदि आप एक ध्यानी हैं या आपने कम से कम अपने मस्तिष्क को शांत करने की कोशिश की है, तो आप जानते होंगे कि आमतौर पर आपके दिमाग में आने वाले विचलित करने वाले विचारों की परेड को शांत करने में कुछ समय लगता है। ऐसा प्रतीत होता था कि रिनपोंचे को किसी ऐसे संक्रमण काल की आवश्यकता नहीं थी। दरअसल ऐसा लग रहा था कि वह एक शक्तिशाली ध्यान की स्थिति में आसानी से एक स्विच को छूने के रूप में अंदर और बाहर आने में सक्षम था। इन प्रारंभिक अध्ययनों के 10 साल से अधिक समय के बाद 41 वर्षीय भिक्षु के मस्तिष्क के स्कैन में उनके साथियों की तुलना में उम्र बढ़ने के कम लक्षण दिखाई दिए। शोधकर्ताओं ने कहा कि उसके पास 10 साल किसी छोटे का दिमाग था। बौद्ध भिक्षु मैथ्यू रिकॉर्ड के मस्तिष्क को स्कैन करने वाले शोधकर्ताओं ने बाद में उन्हें दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी करार दिया। जब उन्हें उच्चतम स्तर की गामा तरंगे मिली, जो कि ध्यान, स्मृति, सीखने और खुशी से जुड़ी थी, जो कभी विज्ञान द्वारा दर्ज की गई थी। 21 अन्य भिक्षुओं जिन्होंने
विभिन्न प्रकार की ध्यान प्रथाओं के दौरान अपने दिमाग को स्कैन किया था ने भी गामा तरंग के स्तर को दिखाई दिए जो गैर ध्यानकर्ताओं की तुलना में उच्च और लंबे समय तक नींद के दौरान भी चले। हमें साधुओं की तरह क्यों सोचना चाहिए यह जानने के लिए कि बास्केटबॉल कोर्ट पर कैसे जीतना है, आप माइकल जॉर्डन की ओर रुक कर सकते हैं। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप एलन मस्क को देख सकते हैं। प्रदर्शन करने का तरीका जानने के लिए आप बियॉन्से का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप अपने मन को शांति और उद्देश्य खोजने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो भिक्षु इसके विशेषज्ञ हैं। ब्रदर डेविड स्टीन एक बेनेडिक्टाइन भिक्षु हैं जिन्होंने gratefulness.org वेबसाइट की स्थापना की है। एक सामान्य व्यक्ति जो सचेत रूप से अब से लगातार जीवित रखने का लक्ष्य रखता है वह एक भिक्षु है। भिक्षु प्रलोभनों का सामना कर सकते हैं, आलोचना करने से बच सकते हैं, दर्द और चिंता से निपट सकते हैं, अहंकार को शांत कर सकते हैं और उद्देश्य और अर्थ के साथ जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हमें पृथ्वी पर सबसे शांत, सबसे खुश, सबसे उद्देश्यपूर्ण लोगों से क्यों नहीं सीखना चाहिए? हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि भिक्षुओं के लिए शांत, निर्मल और तनावमुक्त रहना आसान है। वे शांत सेटिंग्स में छिपे हुए हैं जहां उन्हें नौकरियों और रोमांटिक भागीदारों से निपटने की जरूरत नहीं है और ना ही घंटों की यात्रा। हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि आधुनिक दुनिया में एक साधु की तरह सोचने से कैसे मदद मिल सकती है। सबसे पहले साधु पैदा नहीं हुए हैं, वह पैदा होते ही साधु नहीं थे। वे हर तरह की पृष्ठभूमि के लोग हैं जिन्होंने खुद को बदलना चुना है। मैथ्यू रिचर्ड द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट मैन अपने पूर्व जीवन में एक जीवन विज्ञानी थे। एंडी पुडिकॉम्बे ध्यान ऐप हेडस्पेस के को फाउंडर सर्कस में रहने के लिए प्रशिक्षित थे। मैं उन भिक्षुओं को जानता हूँ जो वित्त और रॉक बैंड में थे। वे आपकी तरह ही स्कूलों, कस्बों और शहरों में पले बड़े हैं। आपको अपने घर में मोमबत्तियाँ जलाने, नंगे पैर घूमने या पहाड़ की चोटी पर पेड़ की मुद्रा करते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। साधु बनना एक ऐसी मानसिकता है जिसे कोई भी अपना सकता है। आज के अधिकांश भिक्षुओं की तरह मैं किसी आश्रम में पला बड़ा नहीं हूँ। मैंने अपने बचपन का अधिकांश समय गैर भिक्षु जैसी चीजों में बिताया है। 14 साल की उम्र तक मैं एक आज्ञाकारी बच्चा था। मैं उत्तरी लंदन में अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ पला बड़ा हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार से हूँ। बहुत सारे माता पिता की तरह मैं भी अपनी शिक्षा और मुझे एक अच्छे भविष्य के लिए एक शॉट देने के लिए प्रतिबद्ध था। मैं मुसीबत से बाहर रहा, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और सभी को खुश करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब मैंने
माध्यमिक विद्यालय शुरू किया तो मैंने बाहें मोड़ ली। मैं एक बच्चे के रूप में अधिक मोटा था और इसके लिए मुझे तंग भी किया जाता था, लेकिन अब मैंने वह वजन कम कर लिया है और फुटबॉल और रग्बी खेलना शुरू कर दिया। मैंने उन विषय की ओर रुख किया जिन्हें प्रारंभिक भारतीय माता पिता आमतौर पर पसंद नहीं करते, जैसे कला, डिजाइन और दर्शन। यह सब ठीक होता, लेकिन मैं भी गलत भीड़ के साथ घुलने मिलने लगा। मैं बुरे स्टूडेंट के झुंड में शामिल हो गया। दवाओं के साथ प्रयोग, लड़ाई करना, बहुत ज़्यादा पीना, ये अच्छा नहीं रहा। हाई स्कूल में मुझे 3 बार सस्पेंड किया जा चुका है। अंत में स्कूल ने मुझे जाने के लिए कहा। मैं बदल दूंगा, यह मैंने उनसे वादा किया। अगर आप मुझे यहीं रहने देंगे तो मैं बदल जाऊंगा। स्कूल ने मुझे एक और मौका दिया और मैंने अपना काम साफ कर दिया। अंत में कॉलेज में मैंने अपने लक्ष्यों की खोज की और उसमें कड़ी मेहनत, त्याग, अनुशासन और दृढ़ता के मूल्य को नोटिस करना शुरू किया। समस्या यह थी कि उस समय मेरे पास एक अच्छी नौकरी पाने, एक दिन शादी करने, शायद एक परिवार होने के अलावा कोई लक्ष्य नहीं था। हमेशा की तरह मुझे संदेह था कि कुछ गहरा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह क्या था। जब गौरांग दास मेरे स्कूल में बोलने आए, तब तक मैं नए विचारों, जीवन जीने के एक नए मॉडल, एक ऐसा रास्ता तलाशने के लिए तैयार हो गया था जो उस रास्ते से भटक गया था जिसे हर कोई स्वयं सहित मानता था कि मैं इसे अपनाऊंगा। मैं एक व्यक्ति के रूप में विकसित होना चाहता था। मैं नम्रता या करुणा और सहानुभूति की केवल अमूर्त अवधारणाओं के रूप में नहीं जानना चाहता था। मैं उन्हें जीना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अनुशासन, चरित्र और सत्यनिष्ठा मेरे द्वारा पढ़े जाने वाली चीजों में एक रूप में हो। मैं उन्हें जीना चाहता था। अगले 4 वर्षों के लिए मैंने 2 दुनिया में बाजी मारी। बार और स्टीक हाउस से ध्यान और फर्श पर सोने तक लंदन में मैंने व्यवहार विज्ञान पर जोर देते हुए प्रबंधन का अध्ययन किया और एक बड़े परामर्श फर्म में इंटर्नशिप की और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताया और मुंबई के एक आश्रम में मैंने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और उनका अध्ययन किया। अपने क्रिसमस और गर्मी की अधिकांश छुट्टियों को भिक्षुओं के साथ रहने में बिताया। मैंने खुद को भिक्षुओं के आसपास रहना चाहा। वास्तव में मैं साधु मानसिकता में डूब जाना चाहता था। अधिक से अधिक मैं कॉरपोरेट जगत में जो काम कर रहा था उसमें अर्थ की कमी लग रही थी। क्या बात थी अगर किसी पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। जब मैंने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तो मैंने अपने सूट को वस्त्रों के लिए व्यापार किया और आश्रम में शामिल हो गया जहाँ हम फर्श पर सोते थे और जिम लॉकर से बाहर रहते थे। मैं भारत, ब्रिटेन और यूरोप में रहा हूँ और उनकी बहुत यात्रा की है। मैंने हर दिन
घंटों तक ध्यान किया है और प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन किया है। मुझे अपने साथी भिक्षुओं के साथ सेवा करने का अवसर मिला है। मुंबई के बाहर एक गांव में एक आश्रम को पर्यावरण के अनुकूल आध्यात्मिक रिट्वीट गोवर्धन इकोवेलिस में बदलने के लिए चल रहे काम में मदद की है और 10 लाख से अधिक भोजन वितरित करने वाले खाद्य कार्यक्रम के साथ स्वयं सेवा करने का अवसर मिला है। अगर मैं एक साधु की तरह सोचना सीख सकता हूँ तो कोई भी सीख सकता है। जिन हिंदू भिक्षुओं के साथ मैंने अध्ययन किया है वे वेदों को उनके मूलभूत ग्रंथों के रूप में उपयोग करते हैं। शीर्षक संस्कृत शब्द वेद से है जिसका अर्थ है ज्ञान। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जो आज दक्षिण एशिया में बोले जाने वाली अधिकांश भाषाओं की अग्रदूत है। आप बहस कर सकते हैं कि दर्शन शास्त्रों को इस प्राचीन संग्रह के साथ शुरू हुआ जो उस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो अब कम से कम 3000 साल पहले पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को कवर करता है। वे हिंदू धर्म का आधार बनाते हैं। होमर की महाकाश कविताओं की तरह ही वेदों को पहले मौखिक रूप से प्रशासित किया गया था फिर अंततः लिखा गया था। लेकिन सामग्री की नाजुकता हथेली के पत्ते और वर्ष छाल के कारण हमारे पास अधिकांश जीवित दस्तावेज कुछ 100 साल पुराने हैं। वेदों में भजन ऐतिहासिक कहानियां कविताएं प्रार्थनाएं मंत्र औपचारिक अनुष्ठान और दैनिक जीवन के लिए सलाह शामिल है। अपने जीवन में और इस पुस्तक में मैं अक्सर भगवद गीता जिसका अर्थ है भगवान का गीत का उल्लेख करता हूँ। यह लगभग 800 से 400 ईसा पूर्व के उपनिषदों पर आधारित है। भगवद गीता को एक प्रकार का सार्वभौमिक और कालातीत जीवन पुस्तिका माना जाता है। कहानी एक साधु के बारे में नहीं बताई गई है या आध्यात्मिक संदर्भ के लिए नहीं है। यह एक विवाहित व्यक्ति से बात की जाती है जो एक प्रतिभाशाली धनुर्धर होता है। यह केवल एक धर्म या क्षेत्र पर लागू होने का इरादा नहीं था, यह पूरी मानवता के लिए है। एकनाथ ईश्वरन आध्यात्मिक लेखक और प्रोफेसर जिन्होंने भगवद गीता सहित भारत के कई पवित्र ग्रंथों का अनुवाद किया है, इसे दुनिया के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण उपहार कहते हैं। अपनी 1845 की पत्रिका में रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा है, मैं अपनी जिंदगी में 2 चीजों के लिए ऋणी हूँ, मेरे दोस्त और भगवद गीता के एक शानदार दिन के लिए। यह मेरी शानदार किताबों की लिस्ट में पहली का स्थान रखती है। यह ऐसा था जैसे किसी साम्राज्य ने हमसे बात की, कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं बल्कि बड़ा शांत ससुंगत एक पुरानी बुद्धि की आवाज जिस पर एक और युग और जलवायु ने विचार किया था और इस तरह उन्हीं सवालों का निपटारा किया था जो हमें परेशान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अन्य शास्त्र की तुलना में गीता के बारे में
अधिक भाष्य लिखे गए हैं। इस पुस्तक में मेरा एक लक्ष्य अन्य प्राचीन शिक्षाओं के साथ साथ इसके कालातीत ज्ञान से जुड़ने में आपकी मदद करना है, जो एक भिक्षु के रूप में मेरी शिक्षा का आधार थी और जिनका आज हम सभी के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है। जब मैंने भिक्षु दर्शन का अध्ययन किया तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि पिछले 3000 वर्षों में मनुष्य वास्तव में नहीं बदला है। निश्चित रूप से हम लंबे हैं और औसतन हम लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन मैं यह जानकर आश्चर्यचकित और प्रभावित हुआ कि भिक्षु भिक्षाएं क्षमा ऊर्जा इरादे उद्देश्य के साथ जीने और अन्य विषयों के बारे में बात करती है, जो आज भी उतनी ही गूंजती है जितनी उन्हें चाहिए किया गया है जब वे लिखे गए थे। इसमें भी अधिक प्रभावशाली ढंग से भिक्षु ज्ञान को बड़े पैमाने पर विज्ञान द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जैसा कि हम इस पूरी पुस्तक में देखेंगे। सहस्त्र शब्दियों से भिक्षुओं ने माना है कि ध्यान और मनन करना फायदेमंद है। यह कृतज्ञता आपके लिए अच्छी है, यह सेवा आपको खुश करती है, और इससे भी अधिक आप इस पुस्तक में सीखेंगे। आधुनिक विज्ञान उन्हें दिखाने या मान्य करने से बहुत पहले उन्होंने इन विचारों के आसपास अभ्यास विकसित किए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, यदि आप किसी चीज को सरलता से नहीं समझा सकते हैं तो आप इसे अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं। जब मैंने देखा कि मैं जो सबक सीख रहा था यह आधुनिक दुनिया के लिए कितना प्रासंगिक था, तो मैं उनमें गहराई से उतरना चाहता था ताकि मैं उन्हें अन्य लोगों के साथ साझा कर सकूं। मेरे मुंबई आने के 3 साल बाद मेरे शिक्षक गौरांग दास ने मुझे बताया कि उनका मानना है कि अगर मैं आश्रम छोड़ दूं और जो कुछ मैंने सीखा है उसे दुनिया के साथ साझा करूं, तो वो अधिक मूल्य और सेवा का होगा। एक साधु के रूप में मेरे 3 साल जीवन के एक पाठशाला की तरह थे। साधु बनना कठिन था और छोड़ना और भी कठिन, लेकिन इस ज्ञान को आश्रम के बाहर जीवन में लागू करना सबसे कठिन हिस्सा अंतिम परीक्षा की तरह लगा। हर दिन मुझे पता चल रहा है कि भिक्षु मानसिकता काम करती है। वह प्राचीन ज्ञान आज आश्चर्य जीवन से प्रासंगिक है, इसलिए मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। इन दिनों मैं अभी भी खुद को एक साधु मानता हूँ, हालांकि मैं आमतौर पर खुद को पूर्व भिक्षु के रूप में संदर्भित करता हूँ, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और भिक्षुओं को शादी करने की अनुमति नहीं है। मैं लॉस एंजलिस में रहता हूँ। जो लोग मुझे बताते हैं कि भौतिकवाद मुखौटा कल्पना और समरग ढिलाई की दुनिया की राजधानियों में से एक है, लेकिन ऐसी जगह पर क्यों रहते हैं जो पहले से ही प्रबुद्ध है? अब दुनिया में और इस पुस्तक में मैं अपना जीवन से जो मैंने लिया है और जो मैंने सीखा है उससे अपने टेक अवे साझा करता हूँ। यह किताब पूरी तरह से
गैर सांप्रदायिक है। यह कुछ गुप्त रूपांतरण रणनीति नहीं है। मैं कसम खाता हूँ, मैं यह भी वादा कर सकता हूँ कि यदि आप मेरे द्वारा प्रस्तुत सामग्री से जुड़ते हैं और अभ्यास करते हैं तो आप अपने जीवन में वास्तविक अर्थ, जुनून और उद्देश्य पाएंगे। इससे पहले कभी भी इतने सारे लोग इतने संतुष्ट या खुशी का पीछा करने में इतने व्यस्त नहीं थे। हमारी संस्कृति और मीडिया हमें उपलब्धियों और सफलता के मॉडल को धारण करते हुए हमें कौन और क्या होना चाहिए इसके बारे में छवियों और अवधारणाओं को खिलाते हैं। शोहरत, पैसा, ग्लैमर और सेक्स, आखिर इनमें से कोई भी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। हम बस अधिक से अधिक की तलाश करेंगे। एक ऐसा सर्किट जो निराशा, मोहभंग, असंतोष, नाखुशी और थकावट की ओर ले जाता है। मैं भिक्षु मानसिकता और जिसे अक्सर बंदर दिमाग के रूप में जाना जाता है के बीच एक अंतर बनाना पसंद करता हूँ। हमारा दिमाग या तो हमें ऊपर उठा सकता है या हमें नीचे खींच सकता है। वानर दिमाग में लिप्त होने के कारण आज हम सब अति विचार, ढिलाई और चिंता से जूझ रहे हैं। बंदर का दिमाग बिना सोचे समझे विचार से विचार, चुनौती से चुनौती, वास्तव में कुछ भी हल किए बिना स्विच करता रहता है। हम जो चाहते हैं उसकी जड़ तक खुदाई करके और विकास के लिए कार्यवाही योग्य कदम बनाकर भिक्षु मानसिकता को ऊपर उठा सकते हैं। भिक्षु की मानसिकता हमें भ्रम और व्याकुलता से बाहर निकालती है और हमें स्पष्टता, अर्थ और दिशा खोजने में मदद करती है। चैप्टर 1, अपनी पहचान स्पष्ट करें। मैं वह नहीं हूं जो मुझे लगता है कि मैं हूं, और मैं वह नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं। मैं वह हूं जो मुझे लगता है कि आप सोचते हैं कि मैं हूं। चार्ल्स हार्टन कुली, 1902। हम में से अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि हम जानबूझकर अपने मूल्यों पर निर्णय नहीं लेते हैं। दूसरे शब्दों में, हम वह नहीं चुनते जिसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं। हम बस वही स्वीकार करते हैं और विरासत में लेते हैं जो हमारे आसपास के अन्य लोग महत्वपूर्ण समझते हैं। जब हम अपना जीवन उन मूल्यों के आधारों पर दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में जीते हैं जिन्हें हमने जानबूझकर नहीं चुना है, तो हम हर समय थके हुए और तनावग्रस्त रहेंगे। इसीलिए एक साधु की तरह सोचने का पहला कदम अपने मूल्यों पर स्पष्ट होना है। एक बार जब आप अपने मूल्यों के बारे में स्पष्ट हो जाते हैं तो आपके पास लोगों, कार्यों और आदतों के प्रति आपका मार्गदर्शन करने के लिए एक कंपास होता है जो आपको लिए सर्वोत्तम होते हैं। हमें मीडिया माइंड गेम खेलना चाहिए। अपने मूल्यों की सूची बनाएं, उस मूल्य की उत्पत्ति की पहचान करें, इस पर चिंतन करें कि क्या वह मूल्य आपके सच्चे स्वयं के साथ रेखांकित हैं या नहीं। हमें निम्न मूल्यों से बचना चाहिए जो हमें चिंता, अवसाद और पीड़ा में बदल देते हैं। इसके बजाय हमें उच्च मूल्यों को अपनाना चाहिए जो हमें खुशी, तृप्ति और अर्थ की ओर ले जाते हैं।
उन्होंने यह भी नोट किया कि खुशी और सफलता मूल्य नहीं है, वे तो पुरस्कार हैं। अपने मूल्यों को सूचीबद्ध करने और वह पहचानने के बाद कि वास्तव में आपके मूल्य कौन से हैं, यह देखने के लिए अपने जीवन का ऑडिट करें कि क्या आप उन मूल्यों के अनुसार जी रहे हैं। विशेष रूप से अपना समय पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं। अपने परिवार, दोस्तों, स्वास्थ्य और स्वयं पर कितना समय बिताना चाहिए, क्या यह आपकी प्राथमिकताओं से मेल खाता है। अपने कितना पैसा खर्च किया और किन पदों पर, क्या वे आपके मूल्यों के अनुरूप हैं। आपने कौन सा मीडिया देखा, कितनी देर के लिए, क्या यह आपके मूल्यों से मेल खाता है। फिर वह हमें एक सप्ताह के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम मूल्य संचालित निर्णय लेने के बारे में वास्तव में सचेत रहें। उस सप्ताह के लिए जब भी आप समय या पैसा खर्च करें, एक पल के लिए रुकें और अपने आप से पूछें, इस निर्णय के पीछे क्या मूल्य है। वह हमें अपने आप को ऐसे लोगों से घेरने के लिए भी प्रोत्साहित करता है जो हमारे मूल्यों से मेल खाते हों। अपनी पहचान को स्पष्ट करना और फिर उसके अनुसार जीना हमें एक खुशहाल और सार्थक जीवन की ओर ले जाएगा। चैप्टर 2 स्पॉट स्टॉप स्वैप के साथ नकारात्मकता को उलट दें। शुद्र नकारात्मक विचार और शब्द मच्छरों की तरह हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटा भी हमारी शांति को छीन सकता है। जय शेट्टी। जो दिमाग के 3 कैंसर सूचीबद्ध करता है, तुलना करना, शिकायत करना और आलोचना करना। स्पॉट स्टॉप स्वैप बुरी आदतों को दूर करने के लिए वह स्पॉट स्टॉप स्वैप का उपयोग करते हैं। नकारात्मक भावना को पहचाने, यह क्या है यह समझने के लिए रुकें और फिर भावना को संसाधित करने से तरीके में स्वैप करें। स्पॉट का लक्ष्य हमारी जागरूकता बढ़ाना है, क्योंकि हम अक्सर यह भी महसूस नहीं करते हैं कि हम नकारात्मक हो रहे हैं। ध्यान दें कि क्या आपका नकारात्मक बनाता है और आप कितनी बार नकारात्मक होते हैं। हमें अपने नकारात्मक विचार को सूचीबद्ध करना चाहिए और हम यह सोच सकते हैं कि वे कहाँ से आए हैं। जब हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं या उनका न्याय करते हैं, तो यह अक्सर अपनी असुरक्षा का प्रतिबिंब होता है। स्टॉप स्टेप में हमें अपने नकारात्मक व्यवहार को रोकने की जरूरत है। आत्मनियंत्रण पर जोर देने के लिए हमें धीरे धीरे और सचेत रूप से सांस लेना चाहिए, फिर अपने आप को केवल वही बोलने के लिए याद दिलाएं जो सत्य, लाभकारी, गैर हानिकारक और सामयिक है। हमें यह याद रखना चाहिए कि तुलना करने, शिकायत करने और आलोचना करने से स्थिति में हमें कोई भी मदद नहीं मिलेगी। स्वैप स्टेप में अपने सामान्य नासमझ वोटिंग को स्वैप करें और इसके बजाय एक सावधानी पूर्वक अनुरोध करें। शोधकर्ताओं ने पाया है कि खुश लोग बहुत कम शिकायत करते हैं, लेकिन
वे ऐसा सोच समझकर करते हैं, जबकि जो लोग बिना सोचे समझे इसे करते हैं वे पूरा महसूस करते हैं। हमें विशिष्ट होकर अपनी नकारात्मकता के प्रति सचेत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका साथी काम से देर से घर आया और आपको गुस्सा आता है। सबसे पहले आप उस झुंझलाहट की भावना को देखते हैं। दूसरा, आप झुंझलाहट में बोलने से पहले रुक जाते हैं। आप अपने आप को केवल वही बोलने के लिए याद दिलाते हैं जो सत्य, लाभकारी और गैर हानिकारक और सामयिक है। फिर आप उस शिकायत की अदला बदली करते हैं जो आप करने जा रहे थे, और इसके बजाय आप एक विशिष्ट अनुरोध करते हैं जो चोट के बजाय देखभाल की जगह से आता है। आप अपने साथी को कह सकते हैं कि मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपके पास संतुलन बनाने के लिए बहुत कुछ है। जब आप वादे के बाद घर आते हैं तो यह मुझे परेशान करता है और आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपको मेरी परवाह नहीं है। जैसे ही आप यह जानते हैं कि आप देर से चल रहे हैं, आप मुझे संदेश भेजकर मेरा समर्थन कर सकते हैं। क्रोध एक और नकारात्मक भावना है जो चोट से उत्पन्न होती है। लोग अक्सर बदला लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वे उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखेंगे तो वह बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन यह शायद ही कभी योजना के अनुसार होता है और फिर आप और भी अधिक दर्द में समाप्त हो जाते हैं। हमें क्रोध को बदलने के लिए क्षमा का उपयोग करने की आवश्यकता है। जब आप एक संतरे को निचोड़ते हैं तो आपको संतरे का रस मिलता है। जब आप किसी दर्द से भरे हुए को निचोड़ते हैं तो दर्द बाहर आता है। इसे अवशोषित करने या वापस देने के बजाय यदि आप क्षमा करते हैं तो आप दर्द को दूर करने में उसकी मदद करते हैं। यदि आप गुस्से में हैं तो कागज पर क्षमा पत्र लिख सकते हैं। आप वास्तव में उन्हें यह पत्र नहीं भेजते हैं, यह आपके क्रोध के माध्यम से काम करने का एक तरीका है। अपने आप को दूसरे व्यक्ति के जूते में देखें, उनके दर्द को पहचाने और समझे कि वे आपका दर्द क्यों दे रहे हैं। कागज पर उन सभी तरीकों को सूचीबद्ध करें जो आपको लगता है कि दूसरे व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया। प्रत्येक आइटम को मैं आपको क्षमा करता हूँ के साथ शुरू करें। जब तक आप सब कुछ प्राप्त नहीं कर लेते, खुद की कमियों को पहचानें, उन तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आपको लगता है कि आपने गलत किया है। प्रत्येक की शुरुआत कृपया मुझे क्षमा करें से करें। जब आप पत्र लिखना समाप्त कर लें तो इसे पढ़ते हुए खुद को रिकॉर्ड करें, इसे वापस खेलें और इसे चुनें। GIF, आप स्वयं को क्षमा पत्र भी लिख सकते हैं। चरण 3 और 4 को मैं अपने लिए क्षमा करता हूँ से बदलें। जब हम अपनी खामियों और गलतियों के लिए खुद को क्षमा करते हैं तो हम अपने आप को उस भावनात्मक उपचार के लिए खोलते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है।
अंततः ये नकारात्मक भावनाएं भय और अहंकार से आती हैं, जिसके बारे में पुस्तक बाद में विस्तार से बताएगी। अंत में हमें अपनी नकारात्मकता को, जड़ों को खोदने के लिए खुद को चुनौती देनी चाहिए, इसे समझना चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए कि हम इसे कैसे प्रबंधित करते हैं। बिना सोचे समझे वेंट करने के बजाय हमें स्पॉट करना चाहिए, रुकना चाहिए और अदला बदली करनी चाहिए। हम नए व्यवहारों को देखना, प्रतिबिंबित करना और विकसित करना चाहिए। चैप्टर 3, डर के साथ अतरंग हो जाओ और फिर अलग हो जाओ। हमारे डर हमारे खतरों से बहुत अधिक है और हम वास्तविकता की तुलना में हमारी कल्पना में अधिक पीड़ित हैं। हमें सिखाया गया है कि डर बुरी चीज है, लेकिन डर बुरा नहीं है, यह एक चेतावनी का संकेत है। हम समाधान विकसित करने के लिए डर का उपयोग कर सकते हैं, या हम इसे अपने ऊपर हावी होने दे सकते हैं और परिणाम स्वरूप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह सब इस बारे में है कि हम सिग्नल पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। डर के प्रति लोगों की 4 भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं: घबराहट, ठंड लगना, भाग जाना और उसे दफनाना। ये 4 प्रतिक्रियाएं हमें विचलित करती हैं और हमें डर को उत्पादक रूप से उपयोग करने से रोकती हैं। जब हम डर को स्वीकार करते हैं तो हम कहते हैं, मैं तुम्हें देखता हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। डर और दर्द दोनों ही ध्यान मांग रहे हैं। मैं तुम्हें देखता हूँ कहने से उन्हें वह ध्यान मिल जाता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। दूसरा, अपने डर को 0 से 10 के पैमाने पर रेट करें, जिसमें 10 आपका सबसे खराब डर है। इससे हमें स्थिति को परिप्रेक्ष्य से रखने में मदद मिलती है। तीसरा, अपने डर से पूछो, मैं तुम्हें कब महसूस करता हूँ। अपने डर के साथ अतरंग हो जाओ। सभी भय किसी अनिल्य वस्तु की आसक्ति से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उस व्यक्ति से विरक्त होना ही समाधान है। उदाहरण के लिए, एक युवती मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि वह वकील बनकर थक चुकी है और वह कुछ नया करना चाहती है, लेकिन वह डरती है। जय, मैंने उससे पूछा कि आप किससे डरती हैं, और उसने बोला, क्या होगा यदि मैं सफल नहीं होती। मैं उसके डर की जड़ों की गहराई में गया और पूछता रहा, तुम वास्तव में किससे डरती हो। आखिरकार उसने कहा, मैंने इस करियर को बनाने में बहुत प्रयास और ऊर्जा खर्च की है, क्या होगा अगर मैं यह सब फेंक रही हूँ। जय ने फिर पूछा, और फिर उसने कहा कि वह दूसरों और खुद के द्वारा एक बुद्धिमान सक्षम व्यक्ति से कम कुछ भी देखे जाने से डरती है। यह उसके डर की जड़ थी। एक बार जब अपने डर को अच्छी तरह उसने समझ लिया तो वह इसके साथ काम करने में सक्षम हो गई। वह प्रतिष्ठा से अलग हो सकती थी और पहचान सकती थी कि यह समय के साथ आती और जाती है।
इसने उसके लिए ऊर्जा को मुक्त कर दिया ताकि वह रोल मॉडल ढूंढ सके जो पूर्व वकील थे और सफलतापूर्वक कुछ नया करने के लिए परिवर्तित हो गए थे। हमें अपने अनुलगों को ऑडिट करने की सलाह लेनी चाहिए। अपने आप से पूछें, मैं खोने से क्या डरता हूँ? बाहरी चीजों जैसे संपत्ति और रूप से शुरू करें, फिर स्थिति और स्वीकृति जैसी आंतरिक चीजों की ओर बढ़ें, फिर प्रत्येक चीज के लिए स्वीकार करें कि वह सब अस्थाई हैं और आप वास्तव में इसके स्वामी नहीं हो सकते हैं या इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जब हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हमारा डर दूर हो रहा है और हम कृतज्ञता और स्वतंत्रता महसूस करेंगे। निष्कर्ष के तौर पर, एक डर के पीछे लगाव की पहचान करने और फिर वैराग्य को बढ़ावा देने के बाद हम स्वतंत्रता और आनंद के साथ रह सकते हैं। चैप्टर 4, अच्छे इरादों को पूरा करें। जब मन, हृदय और संकल्प के बीच सामंजस्य हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऋग्वेद। प्रेरणा के 4 स्तर। हमारे कार्यों से खुशी मिलती है या नहीं, यह उनके पीछे के इरादों पर निर्भर करता है। पुस्तक में 4 प्रेरणाओं का उल्लेख है, भय, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम। बीमारी, गरीबी और मौत जैसी नकारात्मक चीजों से डर को प्रेरित किया जा रहा है। डर एक भड़क की तरह है जो हमें किसी समस्या के प्रति सचेत करता है, लेकिन यह एक स्थायी प्रेरक नहीं है। यदि हम बहुत लंबे समय तक डर पर काम करते हैं तो हम कार्य करने की अपनी क्षमता को खो देंगे या हम उन्मत्त या लकावग्रस्त हो जाएंगे। इच्छा धन, सफलता और आनंद के माध्यम से व्यक्तिगत संतुष्टि द्वारा संचालित की जा रही है। ये सभी चीजें भ्रम हैं जो हमें वास्तव में खुशी नहीं देती हैं। हम जीवन में चीजों की इच्छा नहीं रखते हैं, हम उसे भावना की इच्छा रखते हैं जो हमें लगता है कि वह चीज हमें देंगी। लेकिन भौतिक चीजें हमें खुशी नहीं दे सकती। मन पर काबू पाने और आत्मा से जुड़ने की खुशी और तृप्ति आती है। सफलता, पैसा कमाना, अपने काम में सम्मान मिलना, परियोजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना, प्रशंसा प्राप्त करना है। खुशी, अपने बारे में अच्छा महसूस करना, करीबी रिश्ते रखना, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। जय शेट्टी। कर्तव्य क्यों? कृतज्ञता, जिम्मेदारी और सही काम करने से प्रेरित किया जाना चाहिए। प्यार, दूसरों की मदद करने और उनकी देखभाल करने से प्रेरित होता है। कर्तव्य और प्रेम हमें उद्देश्य और अर्थ देते हैं और वे सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। जब हम कर्तव्य और प्रेम से प्रेरित होते हैं तो हम तनाव को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे के जन्मदिन की पार्टी की योजना बनाते हुए देर रात तक रह सकती है क्योंकि उसे एक प्यार करने वाली माँ होने से संतुष्टि मिलती है। लेकिन
अगर उसे किसी ऐसी नौकरी के लिए ऐसा देर से उठना पड़े जिससे वह नफरत करती है तो वह दुखी होगी। हमारी इच्छाओं के पीछे के असली इरादे को पता लगाने के लिए वाई लैडर का उपयोग करना हमें आना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें न केवल इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि हम कुछ क्यों चाहिए, बल्कि यह भी है कि हम कौन हैं और क्या वह व्यक्ति हमें आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अमीर बनना चाहते हैं। अपने आप से आप यह पूछते रहें, क्यों आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? मैं कभी भी फिर से पैसे के बारे में चिंता नहीं करना चाहता। आप पैसे की चिंता क्यों नहीं करना चाहते? मैं उन छुट्टियों को लेने का जोखिम नहीं उठा सकता जिनके बारे में मैं सपना देखता हूँ। आप फिर छुट्टियाँ क्यों देखते हैं? मैं सोशल मीडिया पर सभी को विदेशी यात्रा पर देखता हूँ। जब मैं नहीं कर सकता तो उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन अधिक रोमांचक, अधिक साहसी और अधिक उत्साहजनक हो। ठीक है, तो मैं आपका इरादा जीवन की ओर रोमांच बनाने का है। ध्यान दें कि यह मुझे पैसा चाहिए से कितना अलग है। यद्यपि आपका इरादा अभी भी इच्छा से प्रेरित है, कम से कम आप यह जानते हैं कि आप अमीर हुए बिना अपने जीवन में रोमांच जोड़ सकते हैं। हमें खरपतवार नहीं बीज लगाने का आग्रह करना चाहिए। प्रेम, करुणा और सेवा जैसे इरादे बीज की तरह हैं। वे विशाल वृक्षों में विकसित हो सकते हैं जो सभी के लिए फल और आश्रय प्रदान करते हैं। अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, प्रतिस्पर्धा और तनाव जैसे इरादे मातम के समान हैं। वे शुरू में सामान्य पौधों की तरह लग सकते हैं, लेकिन बाद में वे अच्छे पौधों में विकसित नहीं होंगे। अपने इरादों पर कार्य करें। जब हम अच्छे इरादे लगाते हैं तो हम उन पर कार्रवाई भी लेनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छी कार चाहिए तो उसे लेने से क्या लगेगा? क्या आप प्रयास करने को तैयार हैं? यदि आप सफल नहीं भी होते हैं तो क्या कार्य ही आपको तृप्ति का एहसास दिलाएगा? जब हम परिणाम तय कर लेते हैं तो हम खुश नहीं होंगे। जब हम इस प्रक्रिया का आनंद लेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। ध्यान दें कि हमारे इरादे आमतौर पर पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दान के लिए दान करते हैं तो आपका इरादा लोगों की मदद करने के लिए 88%, अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए 8% और अन्य धर्मार्थ मित्रों के साथ मस्ती करने के लिए 4% हो सकता है। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि वे जितने कम शुद्ध होंगे हम उतने ही काम खुश होंगे, भले ही हम सफल हों या नहीं। अंत में कर्तव्य और प्रेम जैसे उच्च इरादों को रोपित करें, फिर उन पर कार्य करें। आपके अच्छे इरादे जितने शुद्ध होंगे आप उतने ही खुश होंगे। चैप्टर 5, अपने उद्देश्य और धर्म को जिएं। आपका जुनून आपके लिए है और आपका उद्देश्य दूसरों के लिए है। जय शेट्टी। जय बताते हैं कि हमारा धर्म जुनून प्लस विशेषज्ञता
प्लस उपयोगिता के बराबर है। दूसरे शब्दों में, जब हम अपने जुनून और विशेषज्ञता का उपयोग कुछ ऐसा प्रदान करने के लिए करते हैं जिसकी दूसरों की आवश्यकता होती है, तो हमें सच्ची खुशी और तृप्ति होगी। कुछ लोग अपने काम के बारे में भावुक नहीं होते हैं, दूसरे अपने जुनून और रुचि का पालन करते हैं, लेकिन किसी को भी उनके काम की जरूरत नहीं है। यदि दोनों में से कोई एक टुकड़ा गायब है, तो हम अपने धर्म में नहीं रह रहे हैं। जब आपकी प्राकृतिक प्रतिभा और जुनून ब्रह्मांड सेवा की आवश्यकता से जुड़ते हैं और आपका उद्देश्य बन जाते हैं, तो आप अपने धर्म में रह रहे होते हैं। जब आप अपना समय और ऊर्जा अपने धर्म में व्यतीत करते हैं, तो आपको उपयोग करने की संतुष्टि होती है। आपकी सर्वोत्तम क्षमताएं और कुछ ऐसा करना जो दुनिया के लिए मायने रखता है, अपने धर्म में रहना पूर्णता का एक निश्चित मार्ग है। यदि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं लेकिन प्यार नहीं करते हैं, तो आपको करियर में भारी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से मौजूद जीवन में आप जो प्यार करते हैं उससे करने की अवसरों की तलाश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें कि क्या आप अपने जुनून को कार्यस्थल में ले जा सकते हैं या इसे अपने जीवन के अन्य पहलुओं जैसे अपने शौक और दोस्ती में ले जा सकते हैं। एक अन्य विकल्प यह है कि आप अपनी ताकत से प्यार करने का कारण खोजें। इस बारे में सोचें कि क्या यह भविष्य में आपकी कैसे सेवा कर सकता है। हम जॉब कॉर्पिटिंग कर सकते हैं, जो तब होता है जब कर्मचारी अपनी खुद की नौकरियों को इस तरह से नया स्वरूप देते हैं जो काम पर जुड़ाव, नौकरी से संतुष्टि, लचीलापन और संपत्ता को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए एक अस्पताल में कुछ सफाई कर्मचारी अपने काम को सांसारिक मानते थे, दूसरों ने इसे गहराई से सार्थक माना। क्यों? उन्हें अकेले मरीजों के लिए कंपनी प्रदान करने, बुजुर्ग आगंतुकों को एस्ट्रॉन्ट करने, दीवारों पर चित्रों को अलग अलग कमरों में बदलने आदि के बारे में बात की। ये ऐसे कार्य थे जिन्हें करने के लिए उन्होंने पहल की, ना कि नौकरी विवरण में जो कहा गया था। वे खुद को संरक्षक के बजाय मरहम लगाने वाले और राजदूत के रूप में सोचते थे। उन्होंने अपनी नौकरी के कर्तव्यों को कैसे देखा, इसे फिर से परिभाषित करके उन्होंने उद्देश्य और अर्थ पाया। इस तरह के काम से बचें, हो सके तो ऐसे आउटसोर्स करें जो आप किसी सहकर्मी के साथ कार्यों की व्यापार कर सकें। आखिरकार सिर्फ इसलिए आपको यह पसंद नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी इसे पसंद नहीं करता। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपको एक्सेल का काम पसंद ना हो और आप इसमें अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने में महान हैं। किसी और की स्थिति विपरीत हो सकती है, ऐसे में आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में घर का काम नहीं कर सकते, तो याद रखें कि हर कार्य महत्वपूर्ण है और कोई भी काम करने के लिए
बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कृपया आश्रम में जय को शौचालयों की सफाई जैसे सभी प्रकार के छोटे और अप्रिय काम करने पड़ते थे। इसने उनकी विनम्रता को विकसित किया और उन्होंने अपने समय का उपयोग ग्रंथों के पढ़ने के लिए भी किया। ऐसे में आपको उस कौशल को सुधारने के लिए समय देना चाहिए जिसमें आप अपने आगमन या खाना पकाने के समय का उपयोग उस विषय पर शैक्षिक पॉडकास्ट सुनने के लिए कर सकते हैं। आप प्रतिदिन उस विषय पर वीडियो और देख सकते हैं। दिन में 10 मिनट भी सप्ताह में 70 मिनट होंगे। आप निरंतरता के साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैंने पहली बार वीडियो बनाना शुरू किया तो मेरे पास वीडियो संसाधन नहीं थे, इसलिए वह काम करने के बाद वीडियो संपादित करना सीखने के बाद दिन में 5 घंटे सप्ताह में 5 दिन बिताते हैं। जय बताते हैं कि 4 वैदिक व्यक्तित्व प्रकार हैं, मार्गदर्शक, नेता, निर्माता। हमारे वैदिक व्यक्तित्व प्रकार को जानने से हमें अपनी शक्तियों को जानने और अपने धर्म के अनुसार जीने में मदद मिलेगी। ध्यान दें कि कोई भी एक प्रकार दूसरे से बेहतर नहीं है। वे शरीर में विभिन्न अंगों की तरह हैं। वे एक समुदाय में एक साथ काम करने के लिए हैं। यह पता लगाने के लिए कि आपका प्राथमिक प्रकार कौन सा है, आप यह ऑनलाइन सर्वेक्षण देख सकते हैं, जो कि आपको मेरी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, जय शेट्टी थिंक लाइक अ मॉन्क। गाइड को ज्ञान सीखने और साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे महान शिक्षकों को लेखक बनाते हैं। वे प्रसिद्ध या धन से अधिक ज्ञान को महत्व देते हैं। उनका उद्देश्य लोगों की मदद करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना हो सकता है। नेताओं को प्रभावित करना और प्रदान करना पसंद है। वे अच्छे प्रबंधक बनाते हैं और अक्सर सैन्य, न्याय या राजनीति में काम करते हैं। वे नैतिकता का नेतृत्व में है और सहयोग को प्रेरित करने और लंबे समय तक समाज की सेवा देते हैं। मेकर्स चीजों को मूर्त रूप से बनते देखना पसंद करते हैं। वे अच्छे कलाकार, संगीतकार, लेखक, नर्स, इंजीनियर और रसोइयां बनाते हैं। वे आविष्कार करने, समर्थन करने और लागू करने में अच्छे हैं। वे स्थिरता और सुरक्षा के साथ साथ जरूरतमंदों की सहायता करने से प्रेरित होते हैं। निर्माता एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि मार्गदर्शक और नेता एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप अपने वैदिक व्यक्तित्व प्रकार को जानते हैं तो आप अपनी ताकत में निवेश कर सकते हैं और अपने आप को ऐसे लोगों से घेर सकते हैं जो आपके अंतराल को भर सकते हैं। इससे हमें अपने धर्म में रहने में मदद मिलती है। जब आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो आप लगातार उस स्थान पर रहने का प्रयास करते हैं जहां आप फलते फूलते हैं। जब आप फलते फूलते हैं तो लोग नोटिस करते हैं और आपको ऐसे पुरस्कार मिलते हैं जो आपको अपने धर्म में बने रहने में मदद करते हैं। हमें अपने धर्म के निर्माण के साथ साथ अपने चरित्र का निर्माण भी करना होगा। चरित्र की परवाह किए बिना
अपनी क्षमता का निर्माण करना संकीर्ण वादी है और कौशल पर काम किए बिना चरित्र का निर्माण करना से रहित है। चैप्टर 6 अपनी दिनचर्या और आदतों में सुधार करें। हमें स्थान और समय का उपयोग करके जानबूझकर अच्छी आदतें बनाने का आग्रह करना चाहिए। विशेष रूप से हमें एक अच्छी सुबह की दिनचर्या और शाम की दिनचर्या के साथ अपने दिनों की शुरुआत और अंत को नियंत्रित करने का आग्रह करना चाहिए। एक सुप्रभात दिनचर्या हमें शेष दिन के लिए सफलता के लिए तैयार करती है। एक सफल सुबह का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सफल शाम पहले हो। जल्दी उठने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जल्दी सोना। सुबह और शाम का दिनचर्या सुबह का दिनचर्या के लिए वह सिफारिश करता है। कृतज्ञता प्रतिदिन किसी न किसी स्थान या किसी चीज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। इसमें इसे सोचना, इसे लिखना और इसे साझा करना शामिल है। ध्यान 15 मिनट अकेले बिताएं, सांस लें, कल्पना करें, व्यायाम करें, साधारण स्ट्रेचिंग या जिम वर्कआउट कर सकते हैं। शाम के दिनचर्या के लिए आप जिस कपड़े में सोते हैं वह दिन में पहने जाने वाले कपड़ों से अलग होने चाहिए, क्योंकि दिन के कपड़ों दिन की ऊर्जा को ले लेते हैं। अपनी अगली सुबह से छोटे छोटे फैसलों को अभी निपटाकर हटा दें। हर छोटा निर्णय ऊर्जा लेता है। उदाहरण के लिए कि सुबह उठकर क्या पहने, क्या करें, क्या खाएं। अच्छे विचारों के साथ सो जाओ, क्योंकि जिस भावना के साथ आप सोते हैं वह संभवतः वह भावना होगी जिसके साथ आप जागेंगे। जल्दी उठने और सुबह के दिनचर्या के लिए समय निकालने में हमारी मदद करने के लिए जय हम लोगों को 2 सप्ताह की योजना देते हैं। पहले हफ्ते में हमें सिर्फ 15 मिनट पहले उठना है। अपने फोन को तुरंत ना देखें। इसके बजाय जितना हो सके सुबह की दिनचर्या को करें। दूसरे सप्ताह में एक और 15 मिनट पहले उठें। अब आपके पास अपनी सुबह की दिनचर्या के लिए सुबह का 30 मिनट का समय है। स्थान में ऊर्जा होती है और साथ साथ समय की स्मृति होती है। सुबह और शाम के अलावा हमें दिन के दौरान कार्यों के स्थान और समय चुनने में अधिक जागरूक होने का आग्रह करना चाहिए, क्योंकि ध्यान में ऊर्जा होती है और समय में स्मृति होती है। स्थान के संदर्भ में हमें एक उद्देश्य के लिए केवल एक स्थान का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए बिस्तर केवल सोने के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए नहीं। किचन टेबल सिर्फ खाना खाने के लिए है। काम करने समय की दृष्टि से हमें प्रतिदिन एक ही समय पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। यह हमें याद रखने में मदद करेगा कि हमें वह काम वापस से करना है। हम इसे आसान बनाने के लिए मौजूदा आदतों में नई आदतें भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए कि जय की एक दोस्त थी जो योग करना चाहती थी, इसलिए उसके बिस्तर में बगल में एक योगा मैट बिछाएं और वह सचमुच हर सुबह अपनी योगा मैट पर बिस्तर से उठकर योग करती। अंततः स्थान और समय का उपयोग करने से हमें
ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। अध्ययनों से यह पता चलता है कि लोग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं। जब लोग सोचते हैं कि वे एक से अधिक कार्य करते हैं, तो वे वास्तव में बहुत तेजी से कार्यों के बीच में स्विच कर रहे होते हैं। यह पल में अच्छा लगता है, यही वजह है कि यह व्यसनी हो सकता है, लेकिन यह बर्न आउट और कम उत्पादक की ओर ले जाता है। जब हमारे पास गहन ध्यान की अवधि होती है, तो हम न केवल अधिक उत्पादक होते हैं, बल्कि हम बाद में बेहतर महसूस करते हैं। चैप्टर 7, मन में महारत हासिल करें। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, परंतु जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु होगा। भगवद गीता। हम सभी में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, भय और अहंकार जैसी बुरी आदतें और सोचने के तरीके होते हैं। मन पर नियंत्रण करके हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन को वश में करने की कुंजी फिर से वैराग्य है। उदाहरण के लिए, अपने आप को मैं गुस्से में हूँ कहने के बजाय मुझे गुस्सा आ रहा है या क्रोध है कह सकते हैं। भावना के साथ की पहचान मत करो, इसका निरीक्षण करें। आश्रम में मैंने कुछ ऐसा सीखा जो इतना खतरनाक आत्मविनाशकारी विचारों को रोकने में महत्वपूर्ण रहा है। हमारे विचार बादलों की तरह गुजरते हैं, स्वयं सूरज की तरह हमेशा मौजूद है। हम अपने दिमाग नहीं हैं। हमारे मन को समझने के लिए पहला कदम है कि हमें अपने भीतर के विभिन्न आवाजों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। मंकी माइंड एक बच्चे की तरह है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। भिक्षु मन परिपक्व वयस्क की तरह है। अपने वानर मन को शत्रु मत समझो, इसे एक सहयोगी के रूप में देखें और फिर आप युद्ध से बंधन, शत्रु से मित्र की ओर बढ़ सकते हैं। माता पिता को वानर मन पर ध्यान देना चाहिए, जो अवचेतन मन भी है। हमारे अवचेतन मन में पहले से ही सहज पैटर्न है जिन्हें हमने सचेत रूप से नहीं चुना है, और हमारा चेतन मन संपादन करने के लिए जागृत नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई आपसे कहता है, आज आप अद्भुत लग रहे हैं, और हमारा अवचेतन मन सहज रूप से सोचता है, नहीं, मैं तो नहीं। अपने सिर से आवाजों को अधिलेखित करने के लिए आपको उनसे बात करना शुरू करना होगा। यदि आपका मन कहता है आप यह नहीं कर सकते, तो अपने आप से यह कहकर उत्तर दें कि आप यह कर सकते हैं। आपके पास क्षमता है, आपके पास समय है। हमें हमारे विचारों को और अधिक सकारात्मक रूप से फिर से परिभाषित करना चाहिए। मैं ऊब गया हूँ कहने के बजाय यह कहो कि मैं यह कर सकता हूँ। मैं इसमें बुरा हूँ कहने के बजाय यह कहो, मैं बेहतर होने के लिए आवश्यक समय का निवेश कर रहा हूँ। मैं बदसूरत हूँ कहने के बजाय यह कहो, मैं अपने स्वास्थ्यप्रद बनने के लिए कदम उठा रहा हूँ। मैं सब कुछ नहीं संभाल सकता कहने के बजाय यह कहें कि मैं अपनी सूची से आइटम को प्राथमिकता और जांच कर रहा हूँ। सिर्फ वैराग्य ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। वह
मैरी कॉन्डो के साथ टाइडिंग अप का उदाहरण देते हैं, जो टुकड़ी के आनंद को प्रदर्शित करता है। संपत्ति को शुद्ध करने के बाद लोग सचमुच राहत के साथ सोते हैं, क्योंकि उन्होंने उन चीजों की संख्या कम कर दी है जिनसे वे जुड़े हुए थे। अलगाव यह नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, बल्कि यह है कि कुछ भी आपका स्वामी नहीं होना चाहिए। वैराग्य का अभ्यास करने के लिए हम अस्थाई चुनौतियों और तपस्याओं को स्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि टीवी या अपना फोन छोड़ना, मिठाई और शराब छोड़ना, एक शारीरिक चुनौती लेना, गपशप, शिकायत और तुलना से दूर रहना, ठंड या गर्मी में ध्यान करना, स्पॉट, स्ट्वैप और स्वैप का उपयोग करने का दूसरा तरीका यह है कि अपने अटैचमेंट को स्पॉट करें। उदाहरण के लिए स्पॉट करें जब आप अपने फोन को बिना सोचे समझे चेक करते हैं, क्या यह ऊब, आलस्य, खो जाने के डर, अकेलेपन से है। रुको और इस पर पुनर्विचार करो, स्क्रीन टाइम के लिए आपकी लिमिट कितनी है। एक नए व्यवहार में स्वैप करें, आप सोशल मीडिया पर एक सप्ताह या एक महीने के लिए प्रतिबद्ध होकर या तो ऑल इन जा सकते हैं, या आप एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं और उस पर निर्माण कर सकते हैं। यह देखने के लिए प्रयोग करें कि कौन सी विधि आपके लिए बेहतर काम करती है, फिर तय करें कि आप अपना नया समय कैसे बिताना चाहिए। उदाहरण के लिए यह ध्यान हो सकता है या वास्तविक जीवन में दोस्तों के साथ बातचीत कर सकता है। अंत में हमारे दिमाग को दैनिक रखरखाव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जैसे हम हर दिन अपने दांतों को ब्रश करते हैं। हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए और जो हमारी सेवा नहीं करते हैं उन्हें पुनः व्यवस्थित करना चाहिए। यह दैनिक रखरखाव हमारे दिन, हमारे मन को शुद्ध और शांत और विकसित करने में सक्षम बनाएगा। चैप्टर 8, आत्म सम्मान का निर्माण करें, अहंकार का नहीं। यदि आप जो हैं उससे संतुष्ट हैं, तो आपको किसी और को अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जय शेट्टी। अहंकार कई तरह की समस्याग्रस्त है। यह हमें झूठा बनाता है, विश्वास तोड़ता है, यह झूठे पदानुक्रम बनाता है जो भेदभाव पैदा करते हैं और दयालुता को बर्बाद करते हैं। यह निर्णय बनाता है जो हमारे चरित्र को बर्बाद करता है। यह अहंकार पैदा करता है और सीखने और विकास को रोकता है। जब अहंकार की बात आती है तो हमें हमारे बाहरी व्यक्तित्व और हमारे सच्चे स्वयं के बीच के अंतर को प्रतिबिंबित करके शुरू करने का आग्रह करना चाहिए। ऐसा करने के लिए उन विकल्पों के बारे में सोचें जो आप जब देते हैं जब आप अकेले होते हैं। हमें जब कोई आपको जज करने के लिए करता है और कोई भी जो आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है, इसमें कोई बड़ा अंतर है, तो आपको आत्मसम्मान, सच्चा आत्मविश्वास बनाने और अहंकार को कम करने की आवश्यकता होगी। आत्मविश्वास दिखाने में उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी काम करने में, अभ्यास करने में
और सच्चा आत्मविश्वास हासिल करने में लगती है। अपने आत्मसम्मान का निर्माण के लिए इस तालिका का उपयोग करें। अहंकार को कम करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, नम्रता को विकास करें और अहंकार से अलग हो जाएं। नम्रता का निर्माण करने के लिए ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए किए गए अच्छे काम को याद करते हैं और दूसरों के लिए किए गए बुरे कामों को याद करते हैं। काम पर यही अहंकार है। नम्रता का निर्माण करने के लिए भिक्षुओं को याद होता है कि उन्होंने दूसरों के साथ क्या किया है और दूसरों ने उनके लिए क्या अच्छा किया है। यह उन्हें विनम्र और आभारी रखता है। साधु भी भूल जाते हैं कि उन्होंने दूसरों के लिए क्या किया है और दूसरों ने उनके लिए क्या बुरा किया है। उन्होंने जो कुछ भी दूसरों को दिया है वह उन्हें जीवन द्वारा दिया गया है। वे कभी उस चीज के मालिक नहीं थे, वे अलग हो गए, इसलिए वे ऐसे दिनों में प्रसन्न हैं। वे अपनी दयालुता और नम्रता के कारण हमें क्षमा भी करते हैं। अहंकार से अलग होना। याद रखें कि आप अपनी उपलब्धियां, नौकरी, संपत्ति, युवा या सुंदरता नहीं है। ये सभी अस्थाई चीजें हैं जो बीत जाएंगी। वह तुम्हें दिए गए थे और वे चले जाएंगे। जब हम वास्तव में हर चीज की नश्वरता को समझ जाते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हम मुक्त और आभारी महसूस करेंगे। अहंकार से अलग होने के इन अवसरों की तलाश करें। अपमान प्राप्त करना व्यक्ति की नकारात्मकता के व्यापक दृष्टिकोण को देखें। उदाहरण के लिए कलिलाश सत्यार्थी बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हजारों बच्चों को बचाया है। यह पूछे जाने पर कि 2014 का नोबल शांति पुरस्कार जीतने पर उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, उन्होंने जवाब दिया, पहली प्रतिक्रिया, खैर मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैंने यह पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त प्रयास भी किया है। यही विनम्रता है। अपने अहंकार को संतुष्ट करने की कोशिश करने के बजाय हमें विनम्र होना चाहिए और वास्तविक महानता का लक्ष्य रखना चाहिए। असली महानता तब है जब आप दूसरों को सीखने के लिए अपनी उपलब्धियों का उपयोग करते हैं और वे सीखते हैं कि दूसरों को कैसे पढ़ाना है। और जो महानता आपने हासिल की है वह तेजी से फैलती है। चैप्टर 9 लगातार विशिष्ट और व्यापक आभार का अभ्यास करें। जब आप अपना दिन कृतज्ञता के साथ शुरू करते हैं तो आप अवसरों के लिए खुले रहेंगे, बाधाओं के लिए नहीं। आप रचनात्मकता के प्रति आकर्षित होंगे, शिकायत के लिए नहीं। अध्ययनों से पता चलता है कि कृतज्ञता बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, आत्म जागरूकता, बेहतर रिश्ते और तृप्ति की भावना से जुड़ी है। जब हम कृतज्ञ महसूस करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामीन इनाम रसायन छोड़ता है जिससे हम फिर से ऐसा महसूस करना चाहते हैं और हम कृतज्ञता की आदत बनाने लगते हैं। यह एक पुण्य चक्र है। वह बताते हैं कि कृतज्ञता मौद्रिक मूल्य के अलावा
हर चीज के मूल्य की सराहना करने के बारे में है। उदाहरण के लिए, हम भोजन से पहले अपने भोजन की सराहना कर सकते हैं। हम अतीत से सीखने और विकास के लिए एक कठिनाई की सराहना कर सकते हैं जो उसने हमें दी है। हम में से अधिकांश को जीवन में नकारात्मक देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उदाहरण के लिए, एक बार जय के भिक्षु शिक्षक ने कक्षा को अपने जीवन की एक पिछली घटना के बारे में सोचने के लिए कहा था कि उन्हें लगा कि वे इसके लायक नहीं हैं। सभी ने घटनाओं का वर्णन किया, जैसे कि गलत तरीके से इलाज ना किया जाना या दुर्भाग्य होना। बाद में शिक्षक ने कहा, जबकि आपकी सभी घटनाएं मान्य हैं, आप में से किसी ना किसी ने उस भाग्यशाली के बारे में बात नहीं की जो आपने कमाया नहीं बल्कि केवल जीवन में सौंप दिया है। यह सुनने के बाद जय को बचपन की याद आ गई, जब उन्होंने भारत की मलिन बस्तियों में एक लड़की को कूड़ेदान में भोजन की तलाश करते देखा था। जब उसने अपनी बाहें बिन से बाहर निकाली तो उसने देखा कि उसके हाथ भी नहीं है। बाद में होटल के रेस्टोरेंट में उन्होंने दर्जनों विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद लोगों को भोजन के बारे में शिकायत करते हुए सुना। उसने महसूस किया कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसके पास वह सब था जो किसी और के पास नहीं था, और उसने इसे अर्जित करने के लिए काम नहीं किया। उनके पिता ने वास्तव में पुणे में झुग्गियों से बाहर निकलने का काम किया जो मुंबई से ज्यादा दूर नहीं थी। जय अपार परिश्रम और बलिदान की प्राप्तकर्ता थे। शिकायत करने के बजाय हमारे मन को कृतज्ञता में फिर से प्रशिक्षित करने के लिए हमें एक सप्ताह के लिए कृतज्ञता पत्रिका रखने की सलाह लेनी चाहिए। हर रात उन चीजों को लिखने में 5 मिनट बिताएं जिनके लिए आप आभारी हैं। अभ्यास के साथ आप इसमें बेहतर हो जाते हैं। एक बोनस के रूप में तुलना करें कि जिस सप्ताह आपने आभार पत्रिका नहीं रखी थी उस सप्ताह की तुलना में आपकी नींद कितनी बेहतर थी। वह हमें दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की भी सलाह देते हैं। ऐसा करते समय हमें विशिष्ट होने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, उस महान पार्टी के लिए धन्यवाद कहने के बजाय हम कह सकते हैं, उस महान पार्टी के आयोजन और मेजबानी में आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैंने वास्तव में आइस ब्रेकर गतिविधियों का आनंद लिया और मैश किए हुए आलू बहुत ही स्वादिष्ट थे। अंत में वह हमें स्वयं सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमारी कृतज्ञता को व्यापक और मजबूत करने के तरीके के रूप में जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। यह हमें जीवन पर एक बड़ा दृष्टिकोण देता है। हमें क्रोध, तनाव और ईर्ष्या जैसी निम्न भावनाओं से बाहर निकलना चाहिए। अध्ययनों से यह पता चला है कि स्वयं सेवा अवसाद को कम करने और समग्र कल्याण की भावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है। चैप्टर 10, विश्वास और संबंध के माध्यम से
रिश्तों को समझे और उनका पोषण करे। सुनहरा तरीका है दुनिया से दोस्ती करना और पूरे मानव परिवार को एक मानना। महात्मा गांधी। आश्रम में सभी एक दूसरे को बड़े परिवार की तरह प्यार करते हैं। आश्रम में अपने पहले वर्ष के दौरान उन्होंने महसूस किया कि वह अपने साथी भिक्षुओं की मदद करने के लिए अपने रास्ते से हट रहे थे, लेकिन वे प्यार वापस नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने शिक्षक से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारा प्यार दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह किसी तरह से लौटाया जा रहा है। मैं प्यार कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ और दूसरों की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वे मेरे लिए ऐसा नहीं करते हैं। मुझे समझ नहीं आया। उसके शिक्षक ने पहले उससे पूछा, तुम प्रेम क्यों दे रहे हो? बात यह थी कि बदले में कुछ पाने की उम्मीद में हमें प्यार नहीं देना चाहिए, अन्यथा यह सिर्फ स्वार्थ होगा। लेकिन शिक्षक ने यह भी जोड़ा, जब भी आप कोई ऊर्जा देते हैं, प्रेम की, घृणा की, क्रोध की या दया की, आप इसे हमेशा वापस प्राप्त करेंगे किसी भी तरीके से। प्यार एक चक्र की तरह है। आप जो भी प्यार देते हैं वह हमेशा आपके पास वापस आता है। समस्या आपकी अपेक्षाओं में है। आप यह मान लेते हैं कि आपको जो प्यार मिलेगा वह उस व्यक्ति से आएगा जिसे आपने दिया था, लेकिन यह हमेशा उस व्यक्ति से नहीं आता है। इसी तरह ऐसे लोग भी हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो बदले में वही प्यार नहीं देते हैं। यह सुनने के बाद जय को एहसास हुआ कि हम अक्सर उन लोगों से प्यार करते हैं जो हमसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन हम दूसरों के प्यार को वापस करने में विफल रहते हैं। उदाहरण के लिए, जय निराश हो जाता है जब कोई उसका कॉल वापस नहीं कर रहा होता है, फिर भी उसकी माँ वहाँ हर समय यह सोचकर बैठी रहती है, काश मेरा बेटा मुझे बुलाता। जब अच्छे संबंध बनाने की बात आती है तो हमें सबसे पहले स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करनी चाहिए। यदि हम जो चाहते हैं उसे हम स्वयं या दूसरों को स्पष्ट ही कर सकते हैं, तो हम गलत लोगों को आकर्षित करेंगे जिससे खराब रिश्ते होंगे। उम्मीदों को स्थापित करने के लिए जय विश्वास और तर्क के बारे में बात करते हैं। स्पष्ट उम्मीदें स्थापित करें। फिर वे बताते हैं कि चार प्रकार के भरोसे के आधार पर विभिन्न रिश्तों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। पहला, योग्यता। उनके पास आपकी समस्या के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल होगा। दूसरा, देखभाल। वे चाहते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। तीसरा, चरित्र। उनके पास एक मजबूत नैतिक कंपास होता है। चौथा, संगति। वे तब होते हैं जब आपको उनकी आवश्यकता होती है। यह जानकर कि किसी ने किस प्रकार का विश्वास किया है आपको सूचित करता है कि उनसे क्या अपेक्षा की जानी चाहिए। चार प्रकार के विश्वास बुनियादी लग सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में किसे जानते हैं जिसमें चारों हैं?
हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि लोग हमें वह सब कुछ देंगे जो हमें चाहिए। उदाहरण के लिए, जैकी माँ की देखभाल और निरंतरता है, वह उसकी चेयर लीडर हो सकती है, लेकिन वह उसे करियर की सलाह नहीं दे सकती। जय के भिक्षु शिक्षक का चरित्र और देखभाल का है, वह एक आध्यात्मिक सलाहकार हो सकते हैं, लेकिन वह उसे करियर की सलाह नहीं दे सकते। हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एक व्यक्ति हमारा सब कुछ होगा या हमें पूरा करेगा। केवल आप ही अपना सब कुछ हो सकते हैं। हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि कोई हमारे जीवन में कितने समय तक रहने वाला है। जीन डोमिनिक मार्टिन ने एक बार कहा था, लोग आपके जीवन में एक कारण, एक मौसम या जीवन भर के लिए आते हैं। अधिकांश लोग आपके जीवन में एक विशिष्ट और अस्थाई कारण से हैं। एक बार वह कारण चला गया तो वे भी चले जाएंगे। एक उदाहरण, पिछले रोमांटिक संबंध हो सकता है, कुछ अन्य लोग आपके जीवन में एक सीजन के लिए हैं, जैसे स्कूल या पिछले कार्यस्थल के लोग। कुछ लोग यहाँ जीवन भर के लिए होते हैं, जैसे परिवार और जीवन साथी। एक बार जब हम दूसरों के विश्वास के प्रकार के आधार पर अपनी अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट हो जाते हैं और हम अपने जीवन में उनसे कितनी देर तक उम्मीद करते हैं, तो हम विश्वास का निर्माण कर सकते हैं। ट्रस्ट के भी चार स्तर होते हैं, तटस्थ विश्वास, सकारात्मक गुण जैसे आकर्षण और अच्छा दिखना जैसे मौजूद हैं, जो विश्वास के योग्य नहीं है। समर्थन की पेशकश करने के लिए अपने रास्ते से बाहर जाना, किसी के साथ खड़ा रहना तब भी जब वे बुरी जगह पर हो या कोई बड़ी गलती की हो। एक गहरा संबंध स्थापित करें। जय हमें पांच कारणों की सूची देते हैं जिससे लोग और के प्रति आकर्षित होते हैं। पहला, शारीरिक से, आपको उनका लुक्स पसंद आते हैं। दूसरा, सामग्री से, आपको उनकी संपत्ति, शक्ति या उपलब्धियां पसंद है। तीसरा, बौद्धिक, आपको पसंद है कि वह कैसे सोचते हैं। चौथा, भावनात्मक, आप अच्छी तरह से जुड़ते हैं, वे आपकी भावनाओं को समझते हैं। पांचवा, आध्यात्मिक, वे आपके गहरे लक्ष्यों और मूल्यों को साझा करते हैं। आजकल यदि आप लोगों से पूछते हैं कि उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के प्रति क्या आकर्षित करता है, तो वे आमतौर पर यही कहेंगे कि रूप, लुक्स, सफलता और बुद्धि। लेकिन लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों के लिए अकेले ये तीन गुण पर्याप्त नहीं है। भावनात्मक, जिससे आप अच्छी तरीके से जुड़ते हैं, और आध्यात्मिक, जो गहरे लक्ष्यों और मूल्यों को साझा करते हैं। ये भी चीजें जरूरी हैं और वे आपकी अनुकूलता को दिखाते हैं। वह इस बारे में भी बात करते हैं कि कितने जोड़े शिकायत करते हैं कि उनके पास घूमने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। एक दूसरे के साथ, लेकिन वास्तव में उनकी समस्या
समय की मात्रा नहीं है बल्कि समय की गुणवत्ता है। समय को ऊर्जा के साथ भ्रमित मत करो। आप किसी के साथ एक घंटा बिता सकते हैं लेकिन उसे अपनी ऊर्जा का केवल 10 मिनट ही दे सकते हैं। वह हमसे अपने प्रियजनों का गुणवत्तापूर्ण समय देने का आग्रह करता है, जहां हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से विचलित नहीं होते हैं। लोगों के साथ गहरी बातचीत करें और वास्तव में उन्हें अपनी उपस्थिति और ध्यान दें। रोमांस में गलतियां। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप रोमांस के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्होंने थिच नट हान का उद्धरण किया है जिन्होंने कहा है, अक्सर हम दूसरों पर इसलिए क्रश या प्यार करते हैं क्योंकि हम वास्तव में उनसे प्यार करते हैं और उन्हें समझते हैं, बल्कि अपने दुखों से खुद को विचलित करने के लिए। जब हम खुद से प्यार करना और समझना सीखते हैं और अपने लिए सच्ची करुणा रखते हैं तो हम वास्तव में दूसरे व्यक्ति से प्यार और समझ सकते हैं। यदि आप अपने आप को एक ही तरह के असंगत भागीदारों को बार बार आकर्षित करते हुए पाते हैं तो आप दर्द उठा रहे हैं। आप उस दर्द को कम करने के लिए लोगों को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी की तलाश ना करें या कोई छेद ना भरें। कोई आपको पूरा नहीं करता। आपको पूर्ण होने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आपको जल निकासी के बजाय स्थान पे आना चाहिए। जय का दावा है कि अगर हम खराब रिश्ते में हैं, तो हमें उसे छोड़ने की जरूरत है। अगर हम अभी भी अपने बच्चे के दिमाग की बात सुन रहे हैं तो हम ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमें पल भर में बेहतर महसूस कराते हैं। अपने आत्मसम्मान को किसी और के इर्द गिर्द मत लपेटो। कोई भी मौखिक भावनात्मक या शारीरिक शोषण का पात्र नहीं है। अकेला रहना बेहतर है। हमें ऐसी जहरीले रिश्तों को दोस्ती में बदल देना नहीं चाहिए। गतिशील तो नहीं बदलेगा। जब ब्रेकअप की बात आती है, जय वापस टुकड़ी में चला जाता है। हम कल्पना करते हैं कि हमारे रिश्तों में जो पकड़ है वह दर्शाता है कि हम प्यार करते हैं, जबकि असल में यह सिर्फ लगाव है जो दर्द का कारण बनता है। क्योंकि जितना अधिक हम समझते हैं उतना ही हम खोने से डरते हैं। यदि हम हारते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसे भुगतना होगा। दिल टूटने पर काबू पाने के लिए हमें हर भावना को महसूस करना चाहिए। इन्हें लिख ले, उनके बारे में प्रश्न पूछें, स्थिति से सीखें, अपने मूल्यों पर विश्वास करें, अपने आप को संपूर्ण बनाएं। फिर से डेटिंग करने से पहले प्रतीक्षा करें। रिबाउंड या रिवेंज डेट ना करें। प्यार को जिंदा रखना। कई लोग हमेशा हनीमून पीरियड फीलिंग का पीछा करते रहते हैं, लेकिन अतीत का आदि होना नई अनुभवों के लिए जगह नहीं बनाता। शुरुआत में
लोगों ने ऊर्जा और खुलेपन के साथ नई यादें बनाई। एक साथ सीखने और पढ़ने से प्यार जिंदा रहता है। ताजा अनुभव आपके जीवन में उत्साह लाते हैं और एक मजबूत बंधन बनाते हैं। भिक्षु सिद्धांतों से ली गई युगल गतिविधियों के लिए कई सिफारिशें हैं। पुराने में नया खोजे, जैसे पड़ोस में टहले और एक दूसरे को कुछ नया खोजने के लिए चुनौती दें। एक साथ समय बिताने के नए तरीके खोजे। एक साथ खाना खाएं। एक साथ ध्यान और जप करें। एक साथ कल्पना करें कि आप दोनों रिश्ते से क्या चाहते हैं। हमारे करीबी लोगों के साथ संबंधों के बारे में बात करने के बाद हमें व्यापक दुनिया के साथ हमारे संबंधों पर आगे बढ़ना चाहिए। चैप्टर 11 सेवा एक सुखी और पूर्ण जीवन का सीधा मार्ग है। अज्ञानी अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं और बुद्धिमान अपने कल्याण के लिए। भगवद गीता 3:25 जय का दावा है कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य सेवा का जीवन जीना है और यह एक सुखी और पूर्ण जीवन का सीधा मार्ग है। वह इस बारे में बात करते हैं कि कैसे आश्रम में भिक्षु यह नहीं पूछते कि आज का काम कैसा था। वे पूछते हैं, क्या आपने आज सेवा की है? भिक्षुओं ने एक जगह को साफ सुथरा छोड़ना चाहा, जितना उन्होंने पाया। लोग उससे ज्यादा खुश थे जितना उन्होंने पाया, और दुनिया इससे बेहतर है कि उन्होंने इसे पाया। हम दूसरों की देखभाल करने के लिए पैदा हुए हैं, जैसा कि इसका सबूत है। जब छोटे बच्चे सहज रूप से दूसरों की मदद करने के लिए कुछ करते हैं, वह यह भी बताते हैं कि सेवा प्रकृति के साथ कैसे जुड़ती है। सूर्य प्रकाश प्रदान करता है, पेड़ ऑक्सीजन और छाया प्रदान करते हैं, पानी पोषण प्रदान करता है, मनुष्य सेवा करने के लिए है। दूसरों की सेवा करने से अनेक लाभ होते हैं। सेवा हमें दूसरों और दुनिया से जोड़ती है। सेवा आपके पास जो कुछ भी है उनका एक व्यापक दृष्टिकोण देकर कृतज्ञता को बढ़ाती है। सेवा से बढ़ती है करुणा। सेवा आत्मसम्मान का निर्माण करती है कि आपके पास दुनिया में एक अर्थ और उद्देश्य है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि वे बाद में सेवा करेंगे, जब उनके पास वित्तीय सुरक्षा या भावनात्मक स्थिरता होगी। जय कहते हैं, अपना ख्याल रखना, लेकिन तब तक प्रतीक्षा ना करें जब तक आपके पास सेवा करने के लिए पर्याप्त समय और पैसा ना हो। आपके पास कभी भी पर्याप्त समय और पैसा नहीं होगा। वह यह भी पूछते हैं कि कौन अधिक धनवान है, जिसके पास धन है या वह जो सेवा करता है। एक सेवा मानसिकता का निर्माण करने के लिए हमें अपने देखभाल के दायरे का विस्तार करने की सलाह को अपनाना चाहिए। 4 से 6 लोगों के बारे में सोचें। आप सब कुछ छोड़ देंगे। आप उन्हें कितनी बार परवाह दिखाते हैं?
क्या आप अभी शुरू कर सकते हैं? फिर कम से कम 20 लोगों के समूह के बारे में सोचें जिनकी आप मदद कर सकते हैं। यह एक सामुदायिक समूह हो सकता है। फिर उस सूची को उस दर्पण पर टेप करें जहां आप अपना दांत ब्रश करते हैं। अब आप उनके दिन में कम से कम 2 बार सोचेंगे। देखें कि यह उनकी सेवा करने के लिए आपकी प्रेरणा को कैसे बदलता है। वह हमें बदले में कुछ भी मांगे बिना एक दयालु इरादे से सेवा करने का भी आग्रह करते हैं। हम सच्चे मन से सेवा करते हैं। उनका सुख ही हमारा सुख है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी दूसरे को दे रहे हैं, चाहे वह वस्तु हो या ऊर्जा, वह हमें दिया गया था। इसलिए वास्तविक वैराग्य एक उच्च उद्देश्य की सेवा है। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि अपनी ऊर्जा कहाँ समर्पित करें, तो जय आपके दिल में दर्द का पालन करने की सलाह देते हैं। अपने जीवन में 3 क्षण लिखिए जब आपने सोया था, आवश्यकता महसूस की थी, या आपने किसी चीज को खोया था। फिर देखें कि उन विकल्पों में आपके धर्म के अनुरूप सेवा करने का कोई अवसर है। जब आप सेवा में रहते हैं तो आपके पास शिकायत करने और आलोचना करने का समय नहीं होता है। जब आप सेवा में रहते हैं तो आपका डर दूर हो जाता है। जब आप सेवा में रहते हैं तो आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। आपके भौतिक लगाव कम हो जाते हैं। सेवा सार्थक जीवन का सीधा मार्ग है। ध्यान अभ्यास। ध्यान एक बड़े मंदिर की सफाई के समान है। ध्यान करते समय आप अपने मन और हृदय को साफ करते हैं, लेकिन जब तक आप मंदिर की सफाई पूरी करते हैं, तब तक मंदिर फिर से गंदा और धूल भरा जा रहा है। वह आपके दांतों को ब्रश करने जैसा है। आपको इसे हर दिन करने की जरूरत है। बहुत से लोग ध्यान को नापसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सोचना बंद कर देना चाहिए, लेकिन वास्तव में ध्यान का उद्देश्य विचारों को नोटिस करने के लिए हमारी जागरूकता को प्रशिक्षित करना है और फिर ध्यान में वापस आना है। ध्यान भंग नहीं होता है। जब आप विचलित होते हैं, यह टूट जाता है। जब आप खुद को विचलित करने वाले विचार का पीछा करने देते हैं, जब ध्यान जैसी कोई नई आदत शुरू करने की बात आती है, तो हमें गहराई में जाने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। यदि आपको गोल्फ जैसा कोई नया खेल सीखना हो और आप दिन में केवल 10 मिनट ही गोल्फ खेलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इसमें अच्छे होंगे या इसे पसंद भी करेंगे? ध्यान के लिए भी यही सच है। 1 सप्ताह या साप्ताहांत लंबी ध्यान वापसी का पता लगाएं। पुस्तक के 3 प्रकार के ध्यान के बारे में बात करती है। श्वास व्यायाम, दृश्य मंत्र। मैं सभी ध्यानों की सूची नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उनमें से
कुछ को संक्षेप में बताऊंगा, जैसे कि श्वास व्यायाम, होशपूर्वक सांस लेना हमारे मन को शांत करने के सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। अपने आप को शांत करने के लिए सांस लेना, नाक से चार तक गिनते हुए सांस को अंदर ले, चार की गिनती के लिए उसे रोके और फिर चार की गिनती के बाद सांस छोड़ दे। ऐसा 10 बार करें। ऊर्जा और ध्यान के लिए सांस, चार की गिनती पर अपनी नाक से सांस ले। 1 सेकंड से भी कम समय के लिए अपनी नाक से शक्तिशाली रूप से सांस छोड़ें। आप अपने फेफड़ों में एक प्रकार का इंजन पंप करते हुए महसूस करेंगे। विजुअलाइजेशन शरीर में परिवर्तन पैदा करता है। उदाहरण के लिए क्लीवलैंड क्लिनिक के वैज्ञानिकों ने दिखाया कि जिन लोगों ने कल्पना की थी उनकी छोटी उंगली में 12 सप्ताह से अधिक समय तक मांसपेशियों में संकुचन होता है, उनकी ताकत लगभग उतनी ही बढ़ जाती है जितनी कि वास्तविक उंगली व्यायाम करने वाले लोग। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन अतीत को ठीक कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने माता पिता के मरने से ठीक पहले किसी को भयानक कहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं आप वापस जा रहे हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। यह अतीत को तो नहीं बदलता है लेकिन यह उपचार शुरू करता है। विजुअलाइजेशन हमें भविष्य के लिए भी तैयार कर सकता है। उदाहरण के लिए वास्तविक भाषण से पहले खुद को आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ एक बड़ा भाषण देने की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन के लिए हम या तो निर्देशित ध्यान को सुन सकते हैं या बस अपने स्वयं के विजुअलाइजेशन के साथ आ सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं 5, 4, 3, 2, 1 कृतज्ञता का दृश्य देता हूँ, जहाँ आप उस समय की कल्पना करते हैं जिसके लिए आप बहुत आभारी थे और फिर उस पर ध्यान देते हैं। 5 चीजें जो आप देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, 3 बातें जो आप सुन सकते हैं, 2 चीजें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं, 1 चीज जिसे आप चख सकते हैं। आप अपने परिवेश को नोटिस करने और अपना ध्यान वर्तमान क्षण में वापस लाने के लिए इस 5, 4, 3, 2, 1 ध्यान का भी उपयोग कर सकते हैं। मंत्र जाप ध्यान। एक मंत्र एक आध्यात्मिक ध्वनि है जो विचार और अर्थ व्यक्त करती है, जो स्वयं से बड़ी शक्ति को बुलाती है। मंत्र का शाब्दिक अर्थ है मन को पार करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति और प्रेम का इरादा होना चाहिए। ध्वनि हमें एक अलग समय और स्थान पर ले जाती है। उदाहरण के लिए जब हम बचपन का कोई पसंदीदा गीत सुनते हैं तो हमें उस समय और स्थान पर वापस ले जाया जाता है। मंत्र को जाप करने से ध्वनि की शक्ति का उपयोग होता है। ध्वनि की पुनरावृत्ति हमें शुद्ध करती है।
ध्वनि अमर है, जैसे हमारी आत्मा को नियमित स्नान देना। आप अपने शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं डाल सकते हैं और साफ हो सकते हैं। आपको पानी के नीचे जाना होगा। सबसे पुराना, सबसे आम मंत्र ओम है। इसका अर्थ है अनंत ज्ञान, या वह ध्वनि जिसके द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। ओम के तीन अक्षर हैं ए यू एम। प्रत्येक ध्वनि एक अलग अवस्था, जागृति, स्वप्न और गहरी नींद या समय, अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। आप कह सकते हैं कि ओम शब्द हर चीज का प्रतिनिधित्व करता है। ओम के कंपन को वेगस तंत्रिका का उत्तेजित करने के लिए दिखाया गया है, जिससे जानकारी कम हो जाती है। लैमिशन मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्रों में से एक को शांत करने के लिए ओम का जाप पहले ही दिखाया जा चुका है। हमें तीन मंत्र देते हैं। आप YouTube पर भी इसका उच्चारण कैसे करते हैं ये देख सकते हैं। ओम नमो भागवता वासुदेवाय, ओम तत् सतो लोकः समस्त सुखनो भवन्तु। पहले का उपयोग ब्रह्मांड से जुड़ने, अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरे का उपयोग महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत में इरादों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। तीसरे का उपयोग सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम और दया व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यदि आप आध्यात्मिक ध्वनि का जाप नहीं करना चाहते हैं तो आप पुष्टि का उपयोग कर सकते हैं। जो कुछ भी हो सकता है जो आपको प्रेरित करता है, जैसे कि अपनी गति से अपने समय में, यह भी गुजर जाएगा। सब कुछ जियो, यह पल तुम्हारा है। मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं कौन बन रहा हूँ। मैं सभी अवसरों और संभावनाओं के लिए खुला हूँ। मैं वास्तविक प्रेम के योग्य हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है उसके साथ सेवा करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।